और आप लोग समय पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज पीसी करने का मतलब ये है कि आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो UCC लाया गया है, सम्मान आचार संहिता, और आज तक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने सबसे पहले सरना धर्म कोड का मांग किया केंद्र से, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ये सम्मान आचार संहिता जब लागू हो जाएगा तब तो यहाँ सरना धर्म का कोड का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते अभी तक ये चुप्पी साधे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? अभी तक इस बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, जबकि ये आदिवासियों का जो रीति रिवाज है, ये समान आचार संहिता लागू होने के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और हिंदू लोगों का जो मैरिज एक्ट है उससे हम लोग कहीं भिन्न है, बिल्कुल अलग है। और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय बाबूलाल मरंडी, वो भी एक आदिवासी हैं, लेकिन ये आचार ने आज पर इस पर किसी भी तरह को चुप्पी साधे हुए हैं। मैं इन दोनों से जानना चाहता हूँ कि एक आदिवासी बाहुल राज्य में आज आदिवासी का जो रीति रिवाज जो समाप्त होने वाला है, तो कम से कम इन लोगों को चुप्पी नहीं, इन लोगों को मुंह खोलना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, लेकिन आज यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं, आज जो उनका परंपरा है, आज जो उसका रीति रिवाज है, ये बच्चे इसके लिए भी इसको फिक्र नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय बाबूलाल मरांडी से हम आग्रह करते हैं, अगर आप सही में आदिवासी हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलते हैं इसका मतलब है कि आप आदिवासी विरोधी हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी को, मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें संज्ञान में देना चाहता हूं कि आप जितना जल्द हो सके आप इसका विरोध करें, अन्यथा पूरा आदिवासी समाज आप दोनों का विरोध करेगा। देखिए, वो तो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। आज चूंकि आदिवासी है, आदिवासी के तो मुंह पे बोली नहीं है, लेकिन अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, उसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। कौन सा कानून में लिखा हुआ है, कौन से संविधान इतना छूट दिया हुआ है कि आप किसी के मुंह पर आप पेशाब कर देंगे? इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब नहीं दिया तो यही सब तो रोना है। आखिर मेरे बोलने का मतलब क्या है? इतना बड़ा पूरे गांव में लोग देख रहे हैं उसको, एक एक घर में मोबाइल में देख रहे हैं, इधर सिगरेट पी रहे हैं और उसके ऊपर पेशाब भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत चुनिंदी लोग, नेता लोग चुप है। क्यों चुप है? माने कोई दर्द नहीं है? एक आदिवासी के ऊपर में पेशाब किया जा रहा है, उसको कोई दर्द नहीं है? ये तो किसी पर नहीं होना चाहिए। आदिवासी क्या किसी पर नहीं होना चाहिए? अगर किसी पर भी होता है तो ये अन्याय है। कौन नहीं बोलते? किसे नहीं बोले? क्या बात है, इतना इतना विरोध किया आप अपना बोलिए, एकदम बोलिए विरोध किया। ये तो हम बोले हैं पहले भी। अरे भैया, हम कैसे भी बोले, क्या बात करते हैं? हम बोले हैं कि बांग्लादेशी, ये तो कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। तो आज कम से कम बांग्लादेशी कौन है उसका सर्वे हो कर उसको निष्कासित किया जाए। आपके यहाँ से बस चल रही है, चार बस आ रही है, पता है? बहुत बसें चल रही है सब बांग्लादेशी। अरे भाई, सरकार का काम है ना, तो सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? केंद्र सरकार क्यों चुप बैठी है? स्टेट गवर्नमेंट क्यों चुप बैठा हुआ है? इसमें उसकी जिम्मेवारी है ना, क्षेत्रीय विधायक होने का। अरे भाई, सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों नहीं सर्वे करा रहे हैं? अभी तक ये सर्वे नहीं शुरू हुआ, कौन सर्वे करेगा? सब लोग जान रहे हैं।
अभी तो हैं, आप नहीं गए? नहीं गए, क्यों जाएंगे जब हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है? उल्टे हम ही को बोलता कि ये बागी है, ये खिलाफ में बोलता है। क्या खिलाफ में हमने आज तक बोला? क्या CNT एक्ट, SPT एक्ट, स्थायी नीति, नियोजन नीति, ये जो चुनावी एजेंडा में जो था, क्या लोबिन हेब्रम तैयार किया था क्या? वो लोग जवाब देना। तो अगर ये चीज हम बोलते हैं, और बार बार इस बात को मैं बोलता हूँ, गुरु जी हमारे नेता, हम उसका चेला, और उन्होंने बोला कि जहां गलत होगा आपको लड़ाई लड़ रहा है, इसके खिलाफ में बोलना है। हम बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। अभी सदर मामलों का शुरू होने वाला है, फिर इस बात को हम दोहराएंगे। तो लोग बोलते हैं बराबर एक ही बात को बोलते हैं, एक ही बात का यार, ASPT, CNT, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल वासियों का ये बचाव कवच है, इसके बारे में हम बोले हैं कि नहीं बोलेंगे? तो क्या हम सत्ता में हैं तो हम चुप रहे क्या? नहीं हो सकता इसे। पिछली आयोग जो केंद्र सरकार की है, वनवासी कल्याण केंद्र से रिपोर्ट मांगी है, 14 तारीख तक रिपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट मांगा गया है, रिपोर्ट देंगे, बट इस स्थिति में अभी चारों तरफ लोगों के मुंह से हम भी सुन रहे हैं। जो हेड है सुशील मोदी, तो सपोर्ट किए हैं आप लोग का, अलग रखने की बात कहा? क्या अलग रखने की बात कहा? अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आज से अलग रखने की बात कही है सुशील कुमार मोदी ने, कहीं स्पष्ट नहीं है, कहीं स्पष्ट नहीं है। कोई सा प्रेस बयान आ जाता है, झारखंड में नहीं रहते, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट सब जगह है। हाँ, क्या आपको लगता है कि सब जगह से इस तरीके की बातें नहीं आ रही है अभी? किस तरीके से कस्टमरी लॉ अभी शुरू हो गया है, अभी शुरू हो गया है, आज जहाँ झारखंड में शुरू हो रहा था, और सब जगह भी होगा। और ये जो रिपोर्ट जिस आपने कहा, रिपोर्ट मांगा गया है, सुझाव भी मांगा गया है, लेकिन आज जब केंद्र सरकार के द्वारा ये सम्मान आचार संहिता जो लागू करने की जो बात कर रहे हैं, तो आज यहाँ के जो आदिवासी मुख्यमंत्री है बहुल इलाका का, तो आज इसको तो बोलना चाहिए ना। बाबूलाम रोड भी आदिवासी है, तो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इसका मतलब हम यही समझा जा रहा है कि लोगों के दबे जुबान से ये आ रहा है, ये लोग आदिवासी विरोधी। क्या सजा मिला है यार, वो अलग बात, अलग है, भटक रहे हैं। कौन सी सजा मिला दादा? अगर UCC से ट्राइबल पॉपुलेशन को अलग रखा जाएगा, तब आप क्या UCC का स्वागत करेंगे या फिर विरोध? आदिवासी को जो रीति रिवाज के मुताबिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ अभी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये हम सब पूछना चाहते हैं। आदिवासी होने के नाते बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हो गया, थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।